वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग। सर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम लोन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और ये भी बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी होती है आपके होम लोन लेने के, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें घर पसंद आ जाता है लेकिन उनकी लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो एंड तक देखें, इससे पता लगेगा आपको कि कितने परसेंट आपको सैलरी पे लोन मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए चाहिए। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, बैंक जो आपको होम लोन प्रोवाइड करता है, आपकी जो टोटल अर्निंग होती है उसके आधे पोर्शन पे आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जी, आप 40,000 आपकी टोटल मंथली सैलरी है, उसमें आपका 20,000 के बेसिस पे ही आपको सिर्फ लोन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बैंक ये कंसिडर करता है कि 20,000 आपका एटलीस्ट जो घर चलाने के लिए या बाकी एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करने के लिए आपके लिए होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका 20,000 बचता है उस पर ही आपको बैंक लोन प्रोवाइड करता है। सो गाइज़, अगर आपकी 40,000 सैलरी है तो आपको मैक्सिमम लोन जो मिलेगा 25 से 30 लाख के बीच में मिलेगा। उसमें भी आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको इतना लोन मिलेगा, बाकी सारा कुछ जो है बैंक के अप्रूवल पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि 40,000 सैलरी है तो आप 40 लाख का लोन ले लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इस केस में एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आपकी सैलरी पूरी नहीं पड़ रही लोन लेने के लिए, तो आप अपने घर में कोई और अर्निंग है, मतलब जैसे आपके फादर अर्निंग है, आपकी वाइफ अर्निंग है, तो आप दोनों मिलके भी एक लोन ले सकते हैं। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना लोन आपको मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको होम लोन अप्लाई करने से पहले कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ये मैंडेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं KYC डॉक्यूमेंट्स की। KYC डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड। इनमें से आप एक या दो कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड आपका मैंडेट डॉक्यूमेंट है, वो आपका होना ही चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको आपके भी करने, अगर कोई को बोरोवर है आपके साथ तो उसके भी KYC डॉक्यूमेंट्स मैंडेट होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपके पास 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपके पास लास्ट 3 ईयर का ITR होना चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म 16 होना चाहिए, आपके पास लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16 भी मैंडेट है। और इसमें आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका सैलरी स्लिप, जो कि एक जस्टिफाई करती है कि कितनी इनकम आपको हो रही है। सपोज़ कीजिए आपने रिसेंटली कोई कंपनी अभी ज्वाइन की है तो आपके पास अभी लास्ट 6 मंथ की या 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स नहीं होंगी। सो आप अपनी लास्ट कंपनी की सैलरी स्लिप भी शेयर कर सकते हैं और लेटेस्ट जो कंपनी आपने अभी ज्वाइन की है अगर आपके पास सैलरी स्लिप है किसी भी महीने की तो वो शेयर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा बैंक की रिक्वायरमेंट पे कि वो 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए उन्हें या फिर उन्हें 1 ईयर की चाहिए। तो हर बैंक का अलग क्राइटेरिया है, बट मिनिमम 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। सो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको कंपनी बना के देती है, तो आप अपनी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से जाकर वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले आ जाता है अगर आपने कोई FD की हुई है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आपने कोई LIC पॉलिसी इन्वेस्ट की हुई है, तो उससे आपका और थोड़ा केस स्ट्रांग होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट सारे वो मैंडेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे, उससे ये पता लगता है कि कितनी एलिजिबिलिटी आपकी बन सकती है लोन में, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी। सो गाइज, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला जो मैंडेट डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, जो कि आपको बिल्डर के बीच में एक जब आप फ्लैट परचेज करते हैं कुछ अमाउंट आप देते हैं, उसके बाद में आपका जो डाउन पेमेंट है वो जब क्लियर हो जाता है तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट शेयर होता है, तो इसकी एक कॉपी आपके पास रहती है, एक बिल्डर के पास रहती है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। सेकेंड आपका हो गया कि जो भी आपने पेमेंट किया डाउन पेमेंट की उसमें जो भी आपको रिसिप्ट वगैरह मिली है वो आपके पास होनी चाहिए। हम बात करते हैं लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की। लायबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अभी कोई लोन लिया हुआ है या फिर आप कोई लोन क्लोज कर चुके हैं तो आपके पास उसका लोन स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर कोई लोन क्लोज हो चुका है तो उसका NOC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
तो यही हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं होम लोन लेने के लिए। इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बताए हैं इनका मिनिमम 2 सेट आप बना जेरोक्स करा के रखें, क्योंकि जब होम लोन अप्लाई करने जाते हैं तो कुछ भी मतलब आपको जेरोक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंडेटरी है कि आप जेरोक्स करा के रखें। ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने के बाद में आपके बैंक से जो भी उनका बैंक का वकील होता है और इंस्पेक्शन पर्सन होता है वो जाता है, साइट विजिट करता है, वो ये चेक करता है, इवेल्यूएट करता है कि ये जो आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ये सही है, सर्कल रेट वगैरह चेक करते हैं, जो भी वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं वो क्लियर करते हैं। उसके बाद ही आपकी लोन प्रोसेसिंग आगे बढ़ती है। इसके बाद बैंक आपका सिबिल चेक करता है, उस पर डिपेंड करता है कितना लोन आपको सेंक्शन होगा। सो गाइज़, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेट हैं आपको होम लोन अप्लाई करने के लिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी क्लाइंट्स और व्यूअर्स मेरे, जो भी इंटरेस्टेड बायर्स हैं जो घर देखना चाह रहे हैं, पहले अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें घर पसंद आ जाता है, लोन हमारा हो नहीं पाता, तो वो उस टाइम पे बड़ा दुख होता है कि भाई अब हमें घर भी पसंद आ गया, पैसा कहाँ से अरेंज करें। तो इसीलिए उस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करें। और हर बैंक का लोन का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक की वेबसाइट पे जाके कि कौन सा बैंक आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी उसे पहले चेक करें और उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी देखें। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपका कोई डाउट और क्लैरिफिकेशन है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको सुटेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।